छोटा सा बच्चा है, ये रोज हमारे घर मंत्र जाप करने आता है। सी कितना खुश हो रहा है, गाना देस्पासितो रबरीतो जैसे तू बच्चे को चक्कर चुको जाती था। हाय गाइस, दिस इज अनुष्का राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल। सो मैं छत पर आई हूँ और बारिश हो रही है। मैं दो दिन से कॉलेज नहीं जा रही थी, बारिश के चक्कर में थोड़ी हेल्थ इश्यूज है और मैंने कॉलेज में भी कोई व्लॉग शूट नहीं किया अभी तक। आई एम जस्ट वॉन्टिंग कि थोड़ा सनी डे हो जाए, तो आज का व्लॉग ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी छोटी सी पार्टी हो रही है घर में, लिट्टी चोखा एंड मुझे नहीं पता रुचि भाभी बना रही है। तो मैं ऐसे छत पे आ गई क्योंकि काफ़ी बोरिंग दिन जा रहा था मेरा। मैंने कहा चलो छत पर चलता है, थोड़ा सो गई थी मैं। तो यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है, बट थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ऐसे बूंद गिर जा रही है। और ये मेरे पीछे एक प्लांट है, और भी प्लांट्स दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का, मतलब काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के पेड़ है, बट इतने ये एलोवेरा है भी है। ये मेरे पापा को बहुत पसंद है प्लांट्स लगाना, तो वो कुछ ना कुछ ला के लगाते हैं। एंड दिस इज तुलसी जी, जय तुलसी जी। मेरे पापा को पसंद है। और यहाँ पे ऐसी है लाइक जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़, यू नो ऑल इंडियन जुगाड़। बट ये मटका वाला मुझे बहुत क्यूट लगता है, ये जो मटके में है। इंडियन जुगाड़ बाल्टियों में ही रखा जाएगा। लेट्स सी आगे में भी हम अच्छे अच्छे पॉट्स लगाएं। एंड ये थोड़ा मौसम है, बारिश वाला मौसम। एंड दिस इज द इंडियन फ्लैग। और ये मौसम हो रहा है, मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा मैं कितनी बीमार हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ और इसी चक्कर मैं कॉलेज भी नहीं जा रही। तो स्टिल अभी मैं रिकवर कर रही हूँ क्योंकि आई एम ऑन माय आयुर्वेदिक स्टफ्स काढ़ा। तो आज काफ़ी टाइम बाद सब ने, मतलब रुचि भाभी और लाइक मॉम डैड सब लोग साथ में मिल के खाएंगे। एंड जो फैमिली गेट टुगेदर इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग एंड काफ़ी स्पेशल थिंग होती है। एंड I'm excited and let's see क्या होता है। बस मैं तो थोड़ा मौसम के नज़ारे लेने आ गई थी, और शायद छत तो गीली हो गई क्योंकि मेनली हम पार्टी ना छत पे ही करते थे, पूरा बिछा के पूरा एम्बियंस बनाकर। लेकिन आज तो बारिश हो रही है तो हो नहीं पाएगी, शायद रुचि भाभी के यहाँ ही हो पार्टी, वहाँ पे एम्बियंस बने। तो जैसा होगा आई विल शो यू इतनी क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर माय ब्लॉग एंड ब्लॉग्स आएंगे। बस मेरा थोड़ा मूड बन जाए, थोड़ा बारिश कम हो जाए, तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे कॉलेज के। और बहुत सारे कंटेंट हो गए मेरे कॉलेज में, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। दाल बन चुकी है, इसे फ्राई करना है। एंड आई गेस ये तड़का है ना भाभी, दाल का तड़का है। यहाँ पे खीर बन रही है। भाभी ने व्लॉग के चक्कर में खीर वाली जो पलटन थी वो इसमें डाल दी। ऐसे छोटा सा बच्चा है, ये रोज हमारे घर मंत्र जाप करने आता है। अभी आपको पता चलेगा कौन सा मंत्र सुनता है। अभी ये टीवी चलाएगा खुद जाकर। जाओ टीवी चलाओ लड्डू, टीवी चलाओ टीवी। रुको, अभी ये कुछ भी बोल रहा, फैन चला दो, ये लाइट इसने बंद कर दिया। रुको, तुम तो बहुत शरारती हो। अभी हम ना मंत्र जाप करेंगे बाबू के साथ, और वो मंत्र है, रुकिए बताती हूँ। सुनोगे मंत्र? मंत्र सुनोगे?
ये मेरे को सुबह सुबह, ये मुझे 2 बार बुलाता है, एक शाम के 7 बजे और 9 बजे। तो जिस दिन मैं कॉलेज चली गई थी तो बहुत रो रहा था बोल रहा हाँ, बोल रहा हाँ, बहुत। तो मेरा घर का नाम आशी है ना, तो बोल रहा था आजी आजी आजी, मम्मी बता रही थी। तो अब ये मंत्र सुनेगा, मंत्र है बहुत ही अद्भुत मंत्र। गाइस दिस इज द मंत्र, दिस सॉन्ग इज हिज मंत्र। अब देखना इसके फेस पे कैसे स्माइल आएगी, रुकना। काइली है, सी कितना खुश हो रहा है, गाना चल गया। गाइस डांस कर रहे तो गाइस हम रुचि भाभी के यहाँ आ गए थे, एंड फिर वहाँ पे हम लोग ने उनकी एल्बम देखी। ये रुचि भाभी है, कुणाल का बर्थडे हो रहा है, एंड रुचि भाभी पहले कितनी पतली थी, तो वो ये सारी यादें ताज़ा हो रही थी। और ये सारी फ़ोटोज़ देखी है, पहली की फ़ोटो है, कुणाल बहुत छोटा था उस टाइम। और फिर रुचि भाभी ने ये लेमन टी बनाई थी सबके लिए, तो वही हम सब पी रहे थे बैठ के। और यहाँ पे हम पंचायत देख रहे थे। सो गाइज ये बाटी तली जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। और ये कुछ बाटी रेडी हो चुकी है, भरता इज ऑल्सो रेडी, और वो खीर भी बनी है जो कि आगे आप देख सकेंगे, बहुत टेस्टी लग रहा है यार। सो गाइज थाली रेडी हो चुकी है, खीर बनी है, फ्राइड दाल है, आलू का चोखा है, और बाटी है, सत्तू की बाटी है, अंदर सत्तू की फिलिंग्स थी, एंड यार सच में बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी लग रही है। भाई भी ऑफिस से आ चुका है और सब लोग आ गए हैं, अब हम पार्टी करेंगे। रुचि भाभी काम कर रही है, कुणाल के लिए दूसरा बाटी होता है, दूसरा बाटी खाता है सत्तू वाली नहीं खाता वो। सो गाइस जैसे कि पता है कि बारिश की वजह से तो हम छत पे जा नहीं सके, तो हमने यही सोचा कि हम कोई पुरानी मूवी लगाएंगे, और वो नदिया पार थी, तो वही सब लोग देख के पूरा डिनर करेंगे, एंड लिटरली बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आ रहा है। So guys, I'm about to eat my dinner. हम मम्मी मैं और रुचि भाभी आफ्टर जेंट्स खा रहे हैं। मम्मी ने स्टार्ट भी कर दिया तो मम्मी बोले तो क्या करूँ मैं, बैठ के वेट करूँ तुम्हारा तो चलो ठीक है, खाते हैं। माय प्लेट सो गाइस आई एम बैक होम, एंड आज का दिन बहुत अच्छा रहा, लाइक नॉर्मल था। सबने खाना पीना खाया, साथ में मूवी देखी, पुरानी पिक्चर लगी, पहले हम पंचायत देख रहे थे, उसके बाद हमने नदिया पार देखी। तो हम लोग ऊपर गए थे रुचि भाभी के यहाँ, पहले तो छत पे था प्रोग्राम, पर वो ये बारिश के चक्कर में हो नहीं पाया, तो हमने वही रुचि भाभी के घर पे ही सबने मिल बांट के टीवी देखते देखते खाना खाया। और जो हम मूवी हमने लगाई थी वो मम्मी पापा से काफ़ी रिलेटेबल थी, क्योंकि वो लोग भी गाँव से ही बिलोंग करते थे, तो बहुत उन लोग भी अपने किस्से बीच बीच में बता रहे थे, ऐसा होता था वैसा होता था, तो मतलब बहुत बहुत बढ़िया था, एंड काफ़ी पीसफुल दिन रहा मेरा, काफ़ी लविंग दिन रहा। और यार यही सब चीज़ होती है जो हम लोग मिस करते हैं, और यार फैमिली टाइम इज़ द वेरी प्रेशियस टाइम, प्लीज़ डोंट मिस इट यार।
एंड बहुत पीसफुल था। कुछ काम था मुझे नीचे, तो मैं नीचे आ गई। मम्मी पापा अभी भी ऊपर मूवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और दिस डे वॉज़ अ वेरी गुड डे। सो दिस इज़ हाउ आई एम एंडिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।